अस्सलाम वालेकुम, तहलका न्यूज के साथ मैं हूं आमिर बेग और मैं हूं उमर फारूक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। योम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद। दारुल हुकूमत की फजा जंगी तैयारों की गन गर्ज से गूंज उठी। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक का सिलसिला बंद। पाकिस्तान के दुश्मनों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। सलामती कौंसिल का सी पैक की भरपूर हमायत का ऐलान। आलमी बरादरी से सी पैक की तकमील के लिए कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। पीपल्स पार्टी के रहनम शर्जील मेमन की गिरफ्तारी। नायब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। ताहम जमानती दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद शर्जील मेमन की वजीर अला सिंध से फोन पर गुफ्तगू। सिंध तास मुआहदे पर बातचीत। 10 रुकनी भारतीय वफद आज वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आएगा। दोनों मुल्कों में 1.5 साल तातुल के बाद मुजाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। खैबर एजेंसी में सरहद पार से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम मेमन को बाज़याब करा लिया गया। पुलिस ने मुखबिर रहनुमा के मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पुलिस अगवाकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पैनामा केस का फैसला 31 मार्च तक आ जाएगा। 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। मंजूर वसान ने कहा, फारूक स्टार की गिरफ्तारी के पीछे सिंध हुकूमत का हाथ नहीं, जिसका है जल्द सामने आ जाएगा। बुरा वक्त आया तो चमचागीर ग्रुप करोड़ों रुपए लेकर भाग गया। बाबर गोरी, वासे जलील, मुस्तफा अजीज आबादी क्यों गिरफ्तार नहीं होते? एमकेएम के रहनुमा आमिर खान बोले, 14 साल से जो बड़े घर में रहे वो आज कह रहे हैं एमकेएम भत्ताखोर और किलर थी। समझौता एक्सप्रेस धमाका केस, भारतीय अदालत ने 13 पाकिस्तानी गवाह तलब कर लिए। अदालत हरियाणा के शहर पंचकोला में 10 साल से मुकदमे की समाप्त कर रही है। एयर इंडिया का पायलट्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। पायलट्स दौरान परवाज सो जाते हैं। यूरोप के लिए परवाज के दौरान भारतीय हवाबाजों से रब्ता ना होने के वाकयात। एयरलाइन हुकाम की तरफ से बारी बारी सोने की हिदायत जारी। अमरीकी वजीर खारजा की चीनी सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगु। डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करेंगे। और खौफ और दहशत से भरपूर फिल्मों के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म 47 मीटर्स डाउन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 23 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.tv।